लेबनान और इसराइल की जंग के बीच हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा सच, जब भारतीय सेना ने लेबनान पहुंचकर इसराइल की सेना को खदेड़ दिया था। लेबनान और इसराइल के बीच का संघर्ष 1948 में इसराइल की स्थापना के बाद से ही शुरू हो गया था और कई बार युद्धों और टकरावों के बदलाव के बीच प्रमुख रूप से 1982 में इसराइल ने दक्षिण लेबनान पर आक्रमण किया। इसके जवाब में हिजबुल्ला नामक शिया मिलिशियाई संगठन उभरा और उसने इसराइल के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। 2006 का युद्ध इस संघर्ष का मुख्य अध्याय था, जिसमें हिजबुल्ला और इसराइल के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। दोनों देशों के बीच गहराए इस विवाद के कारण हजारों लोगों की जाने गई और लेबनान का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि संघर्ष अभी भी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। अब तो दोनों देश जंग कर रहे हैं। वहीं उस समय संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भी मिशन के तहत एक प्रयास किया। उस समय भारत ने UNFIL के तहत एक प्रमुख भूमिका भी निभाई। भारतीय सेना की टुकड़ियों ने इस मिशन में अपनी सेवाएं दी और भारत का योगदान इस मिशन के लिए महत्वपूर्ण रहा। भारत ने अपने सैनिकों को वहां भेजकर पूरे मामले में मध्यस्थता कराई और शांति सेना के माध्यम से भारत ने दक्षिणी लेबनान में कई संवेदनशील इलाकों में गश्त भी की, जिससे वहां स्थिति वापस शांतिपूर्ण हो सकी। मतलब साफ है, भारतीय सेना का यह योगदान लेबनान के साथ पहले था, अब क्या होगा यह किसी को भी नहीं पता। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जो संघर्ष है वो नया नहीं है, यह संघर्ष लगातार चल रहा है, लेकिन इस बार दोनों देश एक बार फिर युद्ध की भूमिका में आ गए हैं। शांति सैनिकों की अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो उस समय जब इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनावपूर्ण स्थिति हुई थी और नियंत्रण को लेकर भारतीय सेना ने शांति बनाने के लिए वहां पर जब प्रयास शुरू किए थे तो वहां के नागरिकों ने भारतीय सेना के योगदान को सराहा था। भारतीय मेडिकल टीमों ने लेबनान के नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की थी, जो संघर्ष के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। भारतीय चिकित्सा दलों ने भारतीय समुदायों के साथ साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वहां हर संभव कोशिश की थी। मतलब साफ है, भारत का लेबनान से रिश्ता बहुत पुराना है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से भारत इस युद्ध में अपनी भूमिका तय करता है।